मंच है अभी लग रहा है पूरा हिंदुस्तान बैठा हुआ है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बैठा हुआ है। अभी आप देख रहे थे, मैं भी देख रहा था यार, कोई उड़ीसा से, कोई एमपी से, गुजरात से, कोई राजस्थान से, हरियाणा से, कोई पंजाब से, उत्तराखंड से, कोई हिमाचल से, कोई जम्मू से, इस पूरे हिंदुस्तान के बीच में मेरे जैसे आम इंसान को आने का मौका मिल गया, इससे बड़ा और क्या शुक्र है। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। इतनी जनता हमारे इतना सम्मान की बड़ी पहचान है दोस्तों। आप में से बहुत सारे मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे साथीगण पहली बार आए होंगे, पहली बार देख रहे होंगे ऐसे मंच को, ऐसे रास्ते। मेरी भी यही कहानी है, सेम मित्र, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नौकरी वाला था। जैसे बहुत सारे लोग आप आए थे, आर के बारे में बता रहे थे, आज मैं भी गर्व के साथ बोलता हूँ, थैंक्स प्रभु मुझे भी 16 साल देश सेवा करने का मौका दिया। अपनी जिंदगी के 16 साल देश के नाम किए। आज एक वक्त आया, रिटायरमेंट हो गया, रास्ता नहीं था, दोबारा फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब लग गई, कहा करें, दोबारा जॉब करने लग गया। फिर किसी इंसान ने बताया कि तेरे लिए एक रास्ता बना है, ये डायरेक्शन एक रास्ता, एक प्लेटफॉर्म आगे देख ले, समझ ले। दोस्तों, जब मुझे किसी ने बताया कि इस रास्ते के बारे में मुझे कहा गया, मैं इज्जत मिलेगी, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, पहचान मिलेगी, स्टेज मिलेगा, मैं ये बोला कि मुझे रोकड़ा कितना मिलेगा तुझे बता। ये इज्जत मान सम्मान अपने पास रख, रोकड़ा रोकड़ा चाहिए, मैं रोकने के लिए आया हूं यहाँ पे। बोला बेटा, मैं ज्यादा बात तो नहीं कह रहा, अगर तू मेहनत करेगा ना, मैं ये कहता हूँ जितने तूने फौज में मेहनत करी है ना, तूने नौकरी मेहनत करी है ना, तू उसकी आधी ही मेहनत कर लेना, अगले 7 पीढ़ी पैसा उड़ाएगी ना, कभी खत्म नहीं होगा। मैं बोला ऐसी बात है, आप बोलो करना क्या है। मुझे बोला एक टांग पे खड़ा रहना है, मैं पूरी रात एक टांग पे खड़ा रहता हूँ, मुझे बोलो करना क्या। क्योंकि आर्मी का इंसान का हार के मानी नहीं, जिंदगी के अंदर बहुत कूट कूट के देश भक्ति भरी हुई थी, आपने देखा भी है कारगिल के अंदर, ये कारगिल फतेह कैसे करी थी आपको मालूम है। तो एक जज्बा अंदर था, बस एक करना चाहता था दोस्तों। रास्ता मिला, गुरु जी का आशीर्वाद मिला, अपलाइन का साथ मिला, राम मिश्र का साथ मिला, पूरी सी प्यारी सी टीम का साथ मिला, और आज आपका भाई 9 साल के अंदर आज इस मंच के ऊपर। आज भला मैंने बोल रही थी लग्जरी कार, बड़ी कार दोस्तों, इसकी बड़ी कहानी है। गुरु जी का एक वर्ड था कि जिसको लग जाता है SVPS का रोल, वही लेता है रेंज रोवर। वो मेरे लिए बड़ी सम्मान की बात है कि आज एक आम इंसान, नौकरी वाला इंसान, कभी 16 साल नौकरियां करी थी, आज रेंज रोवर जैसी वो केंद्र पर नहीं बहुत बड़ी बात। आप में से कोई भी इंसान बनना चाहता है बन सकता है। कई सारे लीडर आए आपके ऊपर भी बता रहे होंगे, अब हमें से 90% हमें गरीब लोग बैठे। अमीर पता कौन होते हैं, अमीर जिनके पास CA है, पैसे का पता नहीं कितना है कितना जा रहा है, हम गरीब लोग हैं यार। तो गरीब लोगों की जिंदगी में हार बहुत होती है, कोई भी काम करता है पैसा नहीं है, बेटअप नहीं, हार जाता, टूट जाता है। जैसे लोग पढ़ाई से हार गया, नौकरी इंटरव्यू में हार गया, नौकरी ट्राई में हार गया, व्यापार करने की कोशिश किया, रेस्टोरेंट खोला, होटल खोली, वहां आ गया, बेटअप नहीं था पीछे। अमीरों के फैमिली को गरीबों में बड़ा फर्क होता है। तो मेरी जिंदगी में कहानी आई, मैं भी हारा हुआ था, मैं भी टूटा हुआ था, मैं बड़ा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं 10th पास करके आर्मी में चला गया था। आर्मी में जाने खेच खाच के, खेचा समझते हो ना, वो ग्रेस ग्रूस लग के, वो खेच खाच के मैंने 12th करी, फिर BA करी, फिर रिटायरमेंट हो गया, जगह भी मार्केट में, फिर लाइफ का ट्रेनिंग। पर एक बात मेरी जिंदगी के अंदर
बड़ा मोटिवेशन दी। जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? एक बार बोलो, बताओ बताओ, आवाज नहीं आई, बताओ बताओ, बताओ। आप सब ने लगभग टाइम तो पास करी होगी, हम सब लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा। इतिहास की कहानी है मोहम्मद गोरी की, सुनी होगी आपने। क्या नाम मोहम्मद गोरी? पृथ्वीराज से 17 बार लड़ाई लड़ी, 17 बार हार गया, 18 बार जीत गया। पांच जीत और हार की नहीं है, पांच डेडिकेशन, पांच जुनून की है। एक बार आज आप इस हॉल में बैठे बैठे अमेजिंग करो, एक बार सोचो आज आप मोहम्मद गोरी, एक बार सोच के देखो। बोलते हार गया, मैं टूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैंने वहां काम किया, मैंने वहां काम किया, मुझे कई सौ कई लीटर मिलते हैं मार्केट के अंदर, कई एग्जाम दिया बैठे हुए। एक लीटर मेरे साथ में काम करता राजकर सिंह शेखावत, बोलते मैंने बाइक बोर्ड में काम किया, मैंने हेलो टैक्सी में काम किया, मैंने इसकी कैसे में काम किया, मैंने बोर्ड सुख में काम किया, इसमें काम किया, अब नहीं करूंगा। मामा क्या कैसे नहीं गला करना पड़ेगा, हार नहीं मानना। सोचिए आज मेरा हार नहीं मानना, नहीं मानने देंगे तो कहानी बड़ी प्रेरित करती है। हार नहीं मानने वाले आप में से कई लोग हारेंगे होंगे अपने काम के अंदर, तो एक ही मैसेज इस मंच से आज आईटी स्टेडियम के महाकुंभ से, हार मत मानना मेरे दोस्त। अगर हार होती है ना, एक बार और एक बार, अब आप एक बार अमेजन करो अपने आप के अंदर। अब सब मोहम्मद गोरी हो आज, तो मोहम्मद गोरी ने क्या किया अपने अपने जमाने के अंदर, जब जीतना था पृथ्वीराज को तो घोड़ा लिया, अपने सेना ली, भाले फंसे तलवार लिए, ऐसे तो गया, हार के आ गया। अमूमन होता है ऐसा ही, एक इंसान खड़े करता है हार जाता, कोई बात नहीं, दोबारा फिर गया, दोबारा फिर हार गया, दोबारा फिर गया, दोबारा फिर हार गया, चार बार गया फिर हार गया, चार बार हार गया, चौथी बार जब आ रहा था अपने इलाके में, अपने गांव में मान लो, तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट का डंडा खेल रहे थे, पता है बच्चों ने क्या बोला होगा, मोहम्मद तुमने बहुत अच्छा काम किया है जी, ये बोला होगा क्या, पता है क्या बोला, अरे मोहम्मद पिटके आ गया, तू हार मान के आ गया, ऐसा ही कुछ हुआ होगा, ऐसे तो ऐसा ही हुआ होगा। उसने क्या सोचा होगा, एक बार फिर अगली बार मैं पहुंचूंगा, गया लड़ाई लड़ी हार के आ गया, 6 बार गया लड़ाई लड़ी फिर हार के, 7वीं बार फिर गया फिर हार के, 8वीं बार फिर गया फिर हार के। अब वाइफ ने क्या बोला होगा, जिसने 7 फेरे लिए उसने क्या बोला होगा, देख डार्लिंग समझ रही है तू, क्या बोल रही, देख डार्लिंग अपने बस की बात नहीं, लड़े लड़े अपन नहीं जीत सकते पृथ्वीराज, ऐसे लो यही बोलो। और सबसे बड़ी बात है देख, पता क्या, अगर मैं लेडीज हूँ, लेडीज बीच में जाती हूँ, लोग लेडीज मेरा मजाक उड़ाती है कि तेरा आदमी इतनी बार हार गया, आज अगर हमारे को फिर बोले कि तो आज बार हार जा, हमारी हालत क्या, एक बार सोच के देखो यार, अमेजन करके देखो, कितनी हिम्मत होगी संसार में, कितना डेडिकेशन होगा, कितना जनून होगा उसके दिमाग में, एक बात तो पक्का ही होगी, एक बार नवी बात फिर सेना तैयार करी, फिर गया फिर हार, 10वीं बार फिर सेना तैयार करी फिर हार, 11वीं बार फिर गया फिर हार। अब की बार मां की बारी, मां ने क्या बोला, देख भाई मोहम्मद मेरे दूध की लाज रख, नहीं दे मामला गड़बड़ हो रहा है, ये छोड़ दे, तू मत कर ये काम, मत लड़ाई कर बार बार, अपने बस की बात नहीं है। बात समझो वो अंदर से कितना टूटा होगा उस बातों के ऊपर, जब वाइफ ने समझाया, गांव वालों ने समझाया, मां ने कह दिया मेरे दूध की बात है, तो मत हार बार बार मत जा। सोचने वाली बात है, कितनी हिम्मत होगी उस इंसान में, कितना जज्बा होगा, कितना जरूर होगा, उसके मन ने क्या बोला होगा, एक बार गाड़ी मार गया हार गया, बारहवीं मार गया फिर हार गया, 13वीं मार गया फिर हार गया,
बार फिर हिम्मत करेगी एक बार और चला। पिताजी ने क्या बोला? अरे भाई अब हमारा सुन 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 सुन, ये अपने मंजर अपने बस की बात नहीं, बढ़िया अपने मार्केट में मोहम्मद का स्टोर खोल ले, बढ़िया चलेगा। चला भाई जी कहा हुआ, उसके अंतरात्मा ने क्या कहा होगा, अंतरात्मा ने क्या कहा होगा? एक बार पंद्री मार गया, फिर सोनी मार गया, फिर आ गया। अब तो उसके सैनिक भी परास्त हो गए, सैनिक समझ रहे हो ना, ये जो डाउनलाइन है अपना भी काम करते भी परास्त हो गई होगी यार, इसके साथ पंगा ले लिया यार, हार जाता बार बार ऐसे लोग। तो उसने क्या सभी बड़े क्या कहा, भाई हमारी भाई विधवा हो रही है, बच्चे नार हो रहे, माँ बाप को कोई गुजारा नहीं बन रहा, हम तो कैसा लड़ाई नहीं लड़े हुए। उसने कैसे अपने सैनिकों को तैयार किया होगा यार, चोरी वार के लिए कितना तो प्यार दिया, सम्मान दिया, पुचकारा पप्पी नहीं कुछ भी नहीं, पर उसको डाली माना कुछ तैयार किया होगा। सोनी बार फिर गया, फिर सत्री बार फिर गया, फिर अठवीं बार क्या हुआ, अठवीं बार क्या हुआ, मोहम्मद गोरी जीता नहीं, मोहम्मद गोरी जीता नहीं, पृथ्वीराज खुद ही हार गया। इससे कौन जीत सकेगा, कौन जीतेगा इससे? एक 19वीं बार फिर आ जाएगा, इसे फिर आ जाएगा, और मैं हार जाता हूं कहा मेरे तू जीत गया, तू जीत गया। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, खुद लड़नी पड़ेगी, एक बार लड़ाई लड़नी पड़ेगी यार, गरीब लोग कभी अपनी लड़ाई लड़ते ये सुनो, तब हारे हो टूटे हो यही बात नहीं, अब रास्ता मिला हुआ है, प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, अपने आप को समझाना, एक बार मेरी बात समझ गए होंगे आप, हम भी टूटे हुए थे यार, एक बार कोशिश करी, एक बार फिर जोर लगाया, फिर ताकत लगाई। और जो एक आदमी प्राइवेट नौकरी करता था, रिटायरमेंट के बाद में 25 से 30 हजार कमाता था, आज महीने के 17 लाख रुपए कमाता है, ये मंच की ताकत हो गई। जयपुर जैसे शहर के अंदर किराए के मकान में रहता था, आज 5 करोड़ का अपना खुद का फार्म हाउस बढ़ा दिया, ये पावर मिल गई एक बार हो, ये सुनो, ये पावर आपकी बन सकती है मेरे दोस्त। ये तो मेरी अचीवमेंट थी, चलो पैसा था, रास्ता था, मैंने कमा लिया, बात हो नहीं है मैंने क्या कमाया, मैं बोलता हूँ मैंने इतना बड़ा परिवार कमाया, इससे बड़ा मुझे क्या चाहिए। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग मुझे जानने लगे, मुझे क्या चाहिए, वो तो टाइम कम है, आप समझ रहे हो मेरी बातों का मतलब क्या है। एक गरीब इंसान अमीर बन सकता है, पर रास्ता सही होना चाहिए, तो यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अभी मैं थाईलैंड में था, गुरु जी का आशीर्वाद मिला, जब मैं थाईलैंड में मालूम चला कि SBPS बांग्लादेश जा रही है, SBPS बांग्लादेश जा रही है, माँ कसम रात को नींद नहीं आई, पूछो क्यों, अब 17 लाख हिंदुस्तान से 17 लाख बांग्लादेश से आएंगे। मैं तो वो देख रहा हूँ श्रीलंका कब जाएगी, 17 लाख श्रीलंका से आएंगे, 17 लाख दुबई से आएंगे, वो दिन कैसा दिन होगा दोस्तों। मैं आज वादा करता हूँ उस मन से, आपका भाई कमिटमेंट करता है 1000 रुपए बीच के अंदर, अपने बाप की औलाद नहीं, अगर 2 साल के अंदर जिस दिन बांग्लादेश लॉन्च होगा, बांग्लादेश लॉन्च होगा, हमें परमिशन मिल जाएगी, 2 साल के अंदर आपका भाई के बीच में होगा बांग्लादेश से, ये वादा करता हूं। गुरु जी आता है फटे चटेंगे, आग लगा देंगे, ना थकेंगे और ना थकेंगे, ना रुकेंगे, और बस इंतजार कर रहे बांग्लादेश का खुलने वाला, तैयार हो जाना, क्योंकि अभी तो बांग्लादेश आ रहा है, चिंता मत करो, श्रीलंका भी आएगा, और मैं इंतजार कर रहा हूं सब पाकिस्तान से आएगा।
सारे की गुरु जी ने एक ही आशीर्वाद देना बस, इस जो हिंदुस्तान में डायमंड और बिकता है ना, अपने हाथ जोड़ के बोलते हैं, हिंदुस्तान में कभी बिकता है 1,000 का, सारे पाकिस्तान में कोई 10,000 का बेच रहा है, 10,000 का। तो सबको बुलवा देना, की गारंटी हमारी है, राज के दिखा देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।